हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बच्चों, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डक्कन प्लेटू, जिसे हम लोग डक्कन पठार या डक्कन का पठार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कुछ टू पॉइंट हम आपको प्रीवियस पॉइंट से बताना चाहेंगे बच्चों। बच्चों, जो डक्कन जो प्लेटू होता है वह पेनिसुलर प्लेटू का एक भाग होता है, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार टू पार्ट्स में होता है। जो फर्स्ट होता है हमारा डेकन प्लेटू, और जो सेकंड होता है उच्च मध्य भूमि, जो इंडिया के सेंट्रल पार्ट्स के, जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे जो कुछ राज्य हैं वह उसमें उच्च मध्य भूमि, जिसे हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में, जो प्रायद्वीपीय पठार का एक भूभाग होता है, जिसे हम लोग डक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। बच्चों, हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, और यह फिगर केवल इंडिया के दक्षिणी भाग का इसमें फिगर हमने ड्रॉ किया है, ताकि आप लोगों को हम आसानी से समझा सके। बच्चों, सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे तो आपको देखने से ही लग जाएगा कि इसका जो आकार जो होता है यह एक ट्रायंगल शेप का होता है। मतलब दक्कन का पठार त्रिभुजाकार होता है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में। देखिए बच्चों, यहाँ पर विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत है, और विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी निकलती है, और सतपुड़ा और महादेव के बीच में तापी नदी निकलकर हमारे पश्चिमी, जो कि वहां पर जाकर एस्चुरीज का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हमें बता देंगे कि दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार आकार का होता है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में, ये जो भाग होता है बच्चों, दक्षिण नर्मदा नदी के दक्षिण में यह होता है। उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा, जबकि महादेव और कैमूर, यहाँ पर देखिए एक महादेव पहाड़ है, और यहाँ पर आपको कैमूर कैमूर पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके मैकाल श्रेणी या पूर्वी विस्तार है, या पूरब में पाया जाता है, और विंध्य सतपुड़ा ये सभी आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा। मतलब कि जो दक्कन का पठार है, इन्हीं पहाड़ी के या नीचे या दक्षिण भाग में यह पाया जाता है। पश्चिम में जो यह, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, इसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, और यह पूरब में है, इसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं, जिसे हम लोग ईस्टर्न घाट, और इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट के नाम से बोलते हैं। यह जो पर्वत श्रेणी है बच्चों, यह जो आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, यह ऊंचा होता है और यह पश्चिमी घाट से थोड़ा नीचे होता है। अगर इसको एवरेज में देख लेंगे बच्चों, तो एवरेज में जो इसकी ऊंचाई होती है वह 600 मीटर के लगभग होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। पूर्वी घाट की जो ऊंचाई होती है पर्वतों की, वह 600 मीटर होता है, और पश्चिमी घाट का 900 to 1600 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। पश्चिमी घाट की 900 to 1600 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। जो पूर्वी घाट का जो विस्तार होता है बच्चों, यह महानदी, देखिए यहाँ पर महानदी है, यह महानदी जो कि कैमूर और महादेव से निकलते हुए महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है यहां से, और दक्षिण में नीलगिरी, दक्षिण में नीलगिरी तक इसका विस्तार होता है। किसका? पूर्वी घाट का विस्तार होता है। पूर्वी घाट जो होता है वह सतत नहीं होता है, अनियमित होता है। मतलब कि यहाँ पे कहीं टूटा हुआ है, भ्रंश का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर दर्रा है, यहाँ पे भ्रंश का निर्माण कर रहा है, यहाँ पे दर्रा है, ये तमाम प्रकार के अनियमितता पाई जाती है। क्योंकि जितनी भी नदियां हैं बच्चों, वह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने के कारण जो यह पश्चिमी पूर्वी घाट है यह सतत नहीं है, अनियमित है, कहीं से आपको दर्रा या भ्रंश का निर्माण यहाँ देखने को मिलता है। यही पश्चिमी घाट में देखेंगे, इसकी जो पहाड़ी जो क्षेत्र होता है यह सतत है, नियमित है, और यह पूर्वी घाट की अपेक्षा यह ऊंचाई पर होता है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई होती है
जो कि दक्षिण की ओर, जैसे हम यहां पर उत्तर देख लेते हैं, उत्तर से जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं, जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, मतलब कि उत्तर में कम और दक्षिण में ज्यादा यहां पर पाई जाती है। पश्चिमी घाट से, जो कि यहां पर पश्चिमी घाट में जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर होता है, जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी होता है, वह अनाईमुरी होता है। वह होता है अनाईमुरी, जो 2695 मीटर होता है। अनाईमुरी 2695 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यही पूर्वी घाट में आपको देखेंगे तो महेंद्र गिरी जो कि सबसे ऊंची यहां पर पर्वत शिखर है, जो कि यहां पर इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 1400 मीटर इसकी अधिकतम जो कि ऊंचाई होती है। पूर्वी घाट में जो ऊंचा शिखर होता है वह आपका महेंद्रगिरी 1400 मीटर, या आप लोग 1500 मीटर भी कह सकते हैं। यह एक बेसिकली आप इंटर के ज्योग्राफी में देखेंगे तो वह अलग होता है और टेंथ के ज्योग्राफी में देखेंगे तो वह अलग होता है। हमने 12th का लिया है, जो कि 1400 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है। तो यह हमारा पूर्वी घाट हो गया बच्चों, यह हमारा पश्चिमी घाट हो गया। जो दक्कन का पठार होता है वह एक त्रिभुजाकार होता है। इसका जो निर्माण हुआ है, जो सभी जितने भी हमारे भूभाग है उसमें सबसे प्राचीनतम जो भूभाग होता है वह हमारा दक्कन का पठार होता है। और यह भी कहा जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ है, इसके मृदा का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है बच्चों वह ज्वालामुखी से हुआ है, और ज्वालामुखी के बाद जब ठंडा हो गया तब यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और गोंडवाना लैंड का हिस्सा के धीरे धीरे करते करते यहां पर काली मृदा का निर्माण हुआ। काली मृदा का जो कि निर्माण हुआ, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे तमाम प्रकार से ऐसे राज्य है, कर्नाटक, जो कि केरला, तमिलनाडु, यह केरला हो गया और यह हमारा तमिलनाडु हो गया, ये तमाम प्रकार के राज्यों में जो कि आपकी काली मृदा को देखने को मिलेगा। हमने जो पॉइंट इंडिकेट किया है बच्चों, केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट किया है, इंडिकेट किया है। जस्ट लाइक जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे उसको हम डीपली एकदम आप लोग को इसको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।